गाइस लोग बाग सोशल मीडिया को इतना गंदा यूज कर रहे हैं ना, सारे दिन भर रील्स देखने में निकाल देते हैं, स्टोरी लगाने में निकाल देते हैं, स्टेटस देखने में निकाल देते हैं, लोगों के साथ वीडियो कॉल करने में निकाल देते हैं, दोस्तों के साथ चैटिंग में निकाल देते हैं, फर्जी लड़कियों के साथ चैटिंग में निकाल देते हैं, वीडियो कॉल में निकाल देते हैं। भाई साहब इन सब चीज़ों से आपको मिल क्या रहा है मुझे बता दो। इससे मतलब कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि हम जिंदगी में क्यों आए। देखो दोस्तों, आप सब मेरे हिंदुस्तानी हो, आप सब मेरे भाई बंधु, इसलिए मैं आपको ये चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया को, इस मोबाइल को फालतू यूज नहीं करना। आपको समझ नहीं आ रहा कि मोबाइल को सही तरीके से यूज कहाँ पे करते हैं, मोबाइल को साइड में फेंक दो साले को, कम से कम इसकी रेडिएशन अपने दिमाग में तो नहीं जाएगी ना, कम से कम माइंड ब्लॉक तो नहीं होगा ना, डिप्रेशन में तो नहीं जाएंगे ना हम। आपको समझ नहीं आ रहा कि मोबाइल को कैसे यूज करते हैं, तो इसको यूज नहीं करना गाइस, कोई भी मतलब नहीं है। सारा दिन इसी में निकाल दे तो आपको पता ही नहीं चलता कि 24 घंटे कब निकल गए, फिर बाद में पता चलेगा आपको जब आपकी शादी हो जाएगी कि हमने कुछ किया ही नहीं। करोगे कहाँ से, अभी आप टाइम ऐसे निकाल रहे हो, वीडियो कॉल पे निकाल रहे हो, वीडियो कॉल करते हो इंस्टाग्राम पे। मैं मानता हूँ आपके पास अच्छा मोबाइल होगा, मैं मानता हूँ आपके मोबाइल में अच्छे अच्छे फिल्टर होंगे, जिससे कि आप अपना फेस को क्वालिटी का कर लेते हो, थोड़ा क्लियर कर लेते हो और फिर लोगों को दिखाते हो। कोई मतलब नहीं है दोस्तों, जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। एक बात मैं आपको बताऊं, आप बोल रहे हो कि 24 घंटे सभी के पास है, 24 घंटे भी कम होते हैं उस इंसान के लिए जो लाइफ में सीरियस होता है, कुछ कर रहा होता है अपने लाइफ के लिए, उसके लिए 24 घंटे भी कम होते हैं। बताऊं कैसे, आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, तरीके से शिद्दत से कोई स्टडी करता है, ठीक है, वो 8 घंटे पढ़ता है, 8 घंटे के बाद उसको रिलैक्स भी करना होता है, रेस्ट भी तो करेगा, उसको सोना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, थोड़ा घूमना भी पड़ेगा, माइंड को फ्रेश भी करना पड़ेगा। उसको जाके पूछना कि उसका 24 घंटा यूं ही निकल जाता है, वो बोलता है कि मैं सुबह उठता हूँ, पता ही नहीं चलता कि रात कब हो जाती है, दिन कब आ जाता है, ऑफिस यूं ही टाइम निकल जाता है। गाइस जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस होता है ना, उसको पता ही नहीं चलता है कि 24 घंटे कब निकल जाते हैं, क्योंकि 8 घंटे प्रॉपर तरीके से काम करने के बाद इंसान को रिलैक्स करना पड़ता है, जिसमें यूं टाइम निकल जाता है। तो गाइस थोड़ा सीरियस हो जाए। एक बात मुझे आप बताओ, एलन मस्क है, उसके पास इस वक्त अभी प्रेजेंट में काहे की कमी है, वो कुछ करेगा नहीं, तभी जिंदगी भर पड़ा पड़ा खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो इंसान होने के कारण इंसानियत निभा रहा है कि मुझे कर्म करते रहना है, मुझे जानवर की तरह खाना पीना उठना सोना नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। आज भी उसकी कंपनी काम कर रहे हैं कि स्पीडली नेटवर्क कैसे निकाल, स्पीडली डाटा काम कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। क्यों पागल है एलन मस्क, जो आपके लिए इलेक्ट्रिकली गाड़ी निकाल रहा है, उसको क्या ही मतलब है भाई। लेकिन उसको इस बात से मतलब है कि मैं इंसान हूँ और इंसान होने के नाते मैं कर्म करता रहूंगा। गाइस सोशल मीडिया को फालतू यूज नहीं करना, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मोबाइल को यूज मत करो, साइड में फेंक दो साले को, क्योंकि उसकी जो रेडिएशन है ना, उससे माइंड ब्लॉक डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सी बीमारी हो जाती है, इतना रेडिएशन देती है। सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है जो इंसान को आगे बढ़ा भी सकता है तो इंसान को डूब भी सकता है, तो डूबने वाला काम नहीं करना। यदि आपको समझ नहीं आ रहा मोबाइल को यूज नहीं करना, हमेशा काम करना है तो जिससे हमारा कुछ बेनिफिट हो, हमारी लाइफ बन रही हो। सोशल मीडिया इंसान को एक दिन में पॉपुलर बना सकता है और सोशल मीडिया इंसान की जिंदगी खराब कर सकता है। तो गाइस सोशल मीडिया को फालतू यूज नहीं करना। आपको क्या ही मतलब है भाई लोगों को वीडियो कॉल करके दिखाने से, रील्स फालतू रील्स बनाने से क्या है मतलब है? आप जब कंटिन्यू किसी कंटेंट पर रील्स बना ही नहीं रहे तो क्यों बनाते हो भाई रील्स, वीडियो कॉल कर रहे हो वगैरह वगैरह, फालतू लोगों से बात कर रहे हो, मत करना दोस्तों। यू टाइम निकल जा रहा है, यू टाइम निकल जा रहा है, बाद में ये सब चीज़ आपको याद आएगी, बाद में याद आएगी। अभी आप फिल्टर लगा लगा के रील्स बनाते हो फालतू लोगों को दिखाने के लिए, रील्स कहाँ काम में आ रही है, आपकी स्टोरी लगाते हो, स्टेटस देखते हो, फालतू लोगों के स्टेटस नहीं देखना, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले उसके स्टेटस देखो आप, जिससे आप कुछ सीखने को मिले उस लोगों को आप फॉलो करो। हर किसी को फॉलो क्यों करते हो आप, उस लोगों की स्टोरी देखो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। सोशल मीडिया को यूज करना सीखो दोस्तों, आप सब मेरे हिंदुस्तानी हो गाइस, समझो इस बात को, हमारे साथ बहुत अत्याचार पहले ही हो चुका है। आपने कश्मीर मूवी देखी थी क्या, हकीकत में ऐसा होता था हमारे साथ, काटते थे हमारे को, जिंदा काटते थे ऐसे। अब हमको समझना है, सुधरना है, फालतू काम नहीं करना गाइस, ऐसे फालतू लोगों से बात नहीं करनी, वीडियो कॉल नहीं करना, फालतू लोगों से फेक लड़कियों से चैटिंग नहीं करनी गाइस, नहीं करना ये काम, नहीं करना। हमको हमारे देश के लिए कुछ करना है। तो ये कब होगा, जब आप इस मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल हर एक बंदे के पास है, हर एक बंदा सोशल मीडिया को यूज कर रहा है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ कि सोशल मीडिया को गलत यूज नहीं करना दोस्तों। ओके गाइस, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस कॉन्स्टेंट है, जो सिंगर है, जो डांसर है, ये लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, मैं इन लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हो सारे दिन, 5-5 साल हो गए आपको रीट की तैयारी करते हुए, तो तैयारी मत करो, क्या मतलब है बताओ, पढ़ना है शिद्दत से पढ़ लो। मानता हूँ कभी कभी किसी किसी नंबर से रह जाते हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं, लेकिन देखो जो भी काम करना है बड़े तरीके से करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। और रही बात मोबाइल की, तो मोबाइल को गलत यूज नहीं करना दोस्तों,
रेडिएशन बहुत ख़राब होती है मोबाइल की, सारा दिन यूँ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। 1.5 GB डाटा आता है हमारे को, 1.5 GB डाटा हमारे को मिलता है, तो 1.5 GB डाटा को सही से यूज करो दोस्तों। रिचार्ज भी लगता है, घर वालों को पैसा भी लगता है, हर एक चीज़ लगती है, टाइम भी लगता है, लाइट का बिल भी लगता है, हर एक चीज़ लगती है दोस्तों। एक एक चीज़ देखनी है, एक एक चीज़ समझनी है आपको, फालतू यूज नहीं करना दोस्तों। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछ सकते हो कि कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या करना होता है यार, लेकिन सोशल मीडिया को यूज फालतू नहीं करना गाइस। मिलते फिर कभी, और सोशल मीडिया को फालतू यूज नहीं करना, फिर से बोल रहा हूँ, जय हिंद। हमको आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, सबको दिखाना है कि हिंदुस्तान में बहुत पावर है, बहुत 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 मतलब बहुत पावर है। ये कब होगा? जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखोगे स्वामी विवेकानंद की तरह, तब जाके हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। ओके गाइस, जय हिंद। उड़ेंगे हम जो भी तू बुने, वो देश।